नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो वेरी फ्रैंकली, यू नो, मेरे सारे क्लाइंट्स जिनका भी राउंड वन में एडमिशन होता है, स्पेशली इन एमसीसी काउंसलिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेट कीजिए, 99% आपको राउंड टू में अपग्रेड मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एंड सुपर स्पेशली गवर्नमेंट। अब चूंकि देखिए, होता क्या ना कि जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनकी पैनिक, उनका इनडिसाइसिवनेस मैं समझता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब स्टेट्स के रिजल्ट आएंगे, होता क्या है कि इस बार चूंकि लेट हो गई एमसीसी काउंसलिंग बिकॉज ऑफ यूपी कॉलेजेस एज वी नो, तो गैप कम हो गया है, वरना गैप हमेशा रहता है 10 दिन का, कि जब एमसीसी का रिजल्ट आ जाता है, रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है, तब रिजल्ट आता है स्टेट्स का। लेकिन हरियाणा स्टेट ने कल ही रात को रिजल्ट निकाल दिया, जबकि उनकी परसों तक तो राउंड वन चॉइस फिलिंग चल रही थी, मतलब उन्होंने एक दिन में निकाल दिया। और चूंकि एमसीसी की रिपोर्टिंग तो आज से स्टार्ट होनी है, तो मैंने सोचा कि वीडियो आप सबके लिए बना दूं, जो चाहे मेरे क्लाइंट हैं या जनता है, दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं, कि क्यों मैं इस चीज़ को कहता हूं। तो मेरे सामने दो एक्सेल शीट है, ये है प्रोविजनल अलॉटमेंट हरियाणा की, वो नीचे वो चला गया, मैंने बड़ा छाट के बच्चा ढूंढा हुआ था, और ये है एमसीसी राउंड वन फाइनल। ठीक है, ये दोनों हमारे सामने हैं, मैंने एक बच्चा ढूंढा था आप लोगों के लिए, हाँ यही था। अब ये देखिए, ऑल इंडिया कोटा में एक बच्चे को 12,373 ऑल इंडिया रैंक पे उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है चंद्रपुर का, महाराष्ट्र। लेकिन इसी बच्चे को 12,373 रैंक पे मिल गया है, सॉरी मैं कहता कि मैंने निकाला हुआ था, तो पिछली एक सेकंड दीजिए, तो एक ही हरियाणा है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हरियाणा के बच्चे जिनको भी वहाँ, भाई मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरी 11,460 रैंक है, ठीक है, और 11,460 में, क्योंकि ये हरियाणा तो बहुत छोटा सेगमेंट है ना इंडिया की पॉपुलेशन का, पर यही लॉजिक हर स्टेट में लगेगा, पहले इस चीज़ को समझिएगा। ये मेरा मकसद है आपको एक सैम्पल दिखाने का। या चलो 11,462 रैंक, 60 नहीं मिल रहा, 11,458 है, ये भी नहीं मिल रहा, मैंने आपको ढूंढ के रखा हुआ था एक बच्चा जो दोनों में हो, क्योंकि वो होना जरूरी है, राइट। और ये भी सच्चा है कि देखिए, हरियाणा के कई बच्चे हैं जो जानते थे हरियाणा मिलेगा, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा नहीं भरा, अपने 11,000 रुपये नहीं खराब करे, पर जिन्होंने फिर भी कर रखा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। 11,771, 11,700 की रेंज में कुछ मिल जाए, क्योंकि आपके लिए ना कॉमन बच्चा देखना जरूरी है, फिर आपको चीज क्लियर होगी। मैं आपको हमेशा क्या समझाना चाहता हूँ, ये शायद कुछ था, देखिए मिल गया फाइन, नहीं 11,799 है, 11,799 है, मिल गया जी, मिल गया। अब ये एक बच्चा है, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, इसका ऑल इंडिया रैंक है 11,799, ठीक। इसको, ये तो वैसे ना बहुत गजब हो गया, इसको मिला हुआ है अपने हरियाणा के कॉलेज, और इसमें भी मिला है इसको अटल बिहारी वाजपेयी, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब अटल बिहारी वाजपेयी इज ऑलवेज कंसिडर बेटर देन मेवाती, तो ये बच्चा अपने हरियाणा स्टेट के कोटे से ले लेगा ये सीट, दैट मीन्स ये इस सीट को छोड़ देगा, छोड़ेगा ना पक्का। थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसमें तो ये जो अलॉटमेंट हरियाणा के बच्चों को मिली होगी अपने, जिसे कहते हैं ना अपने स्टेट में, 12,664, 12,665, और कभी कभार ना प्राइवेट सीबीएसई मैच कर सकते हो जब और स्टेट्स के रिजल्ट आते हैं। इसी को हम कहते हैं डीप एनालिसिस, जो हम उन्हीं क्लाइंट्स का करते हैं, वो है पीएड एस वेल में, ये भी कह दूँ, लोग जो नेगोशिएट करते हैं फिर कहते हैं कि सर हमारे लिए अब ये एनालिसिस भी कर दो, कैसे करें। तो 12,665, जब 12,600 की मैं लाइन में हूँ, वेरी नाइस, अब 12,665 का मैं बच्चा हूँ, मुझे हरियाणा में भगत फूल सिंह मिल गया, लोकल हरियाणा में लड़की हूँ रोहिणी कुमारी, 12,665 रैंक, ठीक, 633 नंबर। इसी बच्चे को मिला है 12,665 पे ऑल इंडिया कोटा में कहीं जाके महाराष्ट्र में, तो ऑब्वियसली मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं महाराष्ट्र जाऊंगी या मैं हरियाणा में लूंगी। हरियाणा में लूंगी ना, तो ये सीट राउंड वन में खाली होनी है, परमानेंटली खाली होनी है, और ये सीट नीचे वाले बच्चों को मिल जाएगी जो 14,000 15,000 रैंक के दिल्ली के हैं, जिन्हें मेरे भी एक दो क्लाइंट हैं, और फिलहाल उनको साउथ की सीट मिली थी और वो हिंदी भाषी जगह पे जाना चाहते थे, सो एटलीस्ट दे कैन कम टू महाराष्ट्र। समझ गए आप एग्जाम्पल, थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करते हैं।
इसी तरह समझ लीजिए 13,095 है कल्पना चावला। बाई चांस ये हरियाणा में नहीं था, 13,094 नहीं है, 122, 135, 122, 135, 164, 122, 135, 164, 122 मिल गया। अब फिर से है जी, मैं हूँ हरियाणा का बच्चा, मुझे मिल गया है 13,122 रैंक पे मस्त महाराज अग्रसेन, जो मेरे लोकल हरियाणा में है, और इसके बदले मुझे ऑल इंडिया कोटा से मिला है जीएमसी दौसा। तो मैं दौसा में जाऊंगा कि अपने लोकल पढ़ लूंगा, लोकल पढ़ूंगा, ये सीट खाली होगी, ठीक है। 122 के बाद 135, 164, 193, 135 कोई नहीं है इस लिस्ट में, 164। अब 164 वाले को मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना मध्य प्रदेश, और इसी बच्चे को हरियाणा में मिल गया है ऑलरेडी सेम अग्रसेन निग्रोह है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो बस अब आप समझिए, एक हरियाणा का हमने एग्जाम्पल लिया, सोचिए इंडिया में इस तरह से कितने स्टेट्स हैं, और हरियाणा इस आप सब जानते हैं कॉम्पिटिटिव स्टेट है, मार्क्स ऊपर रहते हैं, तो ये सभी बच्चे ना अपना स्टेट प्रेफर करेंगे। ऐसे यूपी के बच्चे यूपी प्रेफर करेंगे, राजस्थान के बच्चे राजस्थान प्रेफर करेंगे, अल्लाह शेड्यू को बहुत शानदार कॉलेज मिल रहा है। तभी हमने एग्जाम्पल लिया कि मेरे को महाराजा अग्रसेन अग्रोहा मिल रहा है वर्सेज मेरे को सतना जाना है। पर इसका फायदा क्या होगा कि अब जो नॉर्थ इंडियन है, जो फिलहाल तमिलनाडु या केरला उसको मिला था, उसे एटलीस्ट सतना तो मिल जाएगा ना राउंड टू में। ऐसे प्राइवेट में होता है, देखिए फिलहाल एस आर एम बरेली यूपी बहुत अच्छा कॉलेज है, अभी तो यूपी का रिजल्ट आया ही नहीं। अब मेरे 530 नंबर है, फिलहाल मैंने एमसीसी भर दिया था, मैंने एलोकेट भी करा लिया, ऊपर के कॉलेज महंगा है, जेएसएस मिला है मुझे, 1 करोड़ का पैकेज पड़ रहा है, लेकिन एस आर एम बरेली में मेरा काम 75 लाख का हो जाएगा, तो मैं एस आर एम बरेली चला जाऊंगा, मैं 1 करोड़ रुपये क्यों खर्च करूंगा। तो जिनके नंबर अभी कम है उनको राउंड टू में जेएसएस मिल जाएगा। तो चूंकि हर स्टेट में भी ऐसे शानदार कॉलेज है, राजस्थान के बच्चे एमजीएम जयपुर ले लेंगे, करेक्ट, उत्तराखंड के बच्चे लेंगे अपने कॉलेजेस, जो मैं प्राइवेट की बात करूंगा, तो ये लॉजिक गवर्नमेंट प्राइवेट का दोनों जगह चलता है, और इसी की वजह से राउंड टू में कट ऑफ गिरती हैं अक्सर, क्योंकि अभी तक ये फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, हर एक का इंटरेस्ट होता है कि मैं यही सीट पकड़ लूँ। ओके, सो इस तरह की आपके साथ मिलके डीप एनालिसिस करना फ्यूचर के लिए, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट सीट ले सको, आप जल्दबाजी में कोई कंप्रोमाइज डिसीजन ला लो, जीके वर्स और विवेक गुप्ता का ये काम है। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ, हम सिर्फ एमबीबीएस काउंसलर नहीं है, अगर आप हमारी कंपनी की वेबसाइट भी चेक करोगे, वी आर करियर काउंसलर्स एंड करियर मेंटर्स, और एमबीबीएस काउंसलिंग तो हमारा छोटा सा पार्ट है, लेकिन एमबीबीएस काउंसलिंग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हम बच्चे को सिर्फ सीट दिला रहे हैं या बच्चे का लॉन्ग टर्म करियर बना रहे हैं, और आपको अपने अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना है और हमारे साथ जुड़ना है, तो हमें संपर्क कीजिए, तो हमारे प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज पैकेज लीजिए, ताकि हम ये डिसीशंस रेगुलरली कर सकें, और जिसके लिए आपको 9643362320 पे कॉल करना है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।